मैं अपनी स्वाभिमान के साथ और समझौता नहीं कर सकती। आज शाम को अचानक दोनों दीदी आ गईं। मैंने विशाल को फोन करके बताया कि दीदी आई हुई हैं, जल्दी घर आ जाना। विशाल को फोन कर दीदी लोगों को नाश्ता पानी देकर मैं रात के खाने की तैयारी में लग गई। तभी विशाल भी आ गई। वो लोग आपस में बैठकर बातें कर रही थी, तभी दोनों दीदी ने कहा, भाभी आप खाना तैयार रखो, हम अभी बड़े भैया के घर से होकर आते हैं। निशा ने कहा, दीदी खाना तैयार है, खाना खाकर आराम से चले जाना, मैं जब तक सारा काम निपटा लूँगी। क्या भाभी आपको तो बस अपने काम की पड़ी रहती है, अरे दो चार दिन देर से काम कर लोगी और नहीं सोगी तो क्या फर्क पड़ेगा, हम कहाँ रोज रोज आते हैं। तब विशाल ने कहा, दीदी निशा सही कह रही है, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खाना खा लो, वैसे भी अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, कल भैया के घर चले जाना। तो भी अब उसकी हाँ में हाँ मत मिला, अरे उनको पता चलेगा हम शाम की आई हुई हैं और अब तक नहीं आई तो उनको बुरा लगेगा ना। दोनों दीदी ने एक साथ कहा, हम अभी गए और अभी आए। यह कहे दोनों बहनें हंसती हुई चली गई। यह पहली बार नहीं है निशा की दोनों नंदों की, हमेशा से यही आदत है, शाम को आएंगी और फिर गप्पे लड़ाती रहेंगी। जैसे ही खाने का टाइम हुआ, दोनों बड़े भाइयों से मिलने की के चलती बनेगी। शुरू शुरू में तो निशा ने खाना नहीं बनाया, उसने सोचा खाना के समय वहाँ गई हैं तो खाना खाकर ही आएंगी। लेकिन देर रात आने के बाद दोनों ने साफ शब्दों में बोल दिया, निशा खाना तो हम अपनी माँ के साथ ही खाएंगे, हाँ तुम्हें देर होती हो तो सो जाया करो, हम बना लिया करेंगे। निशा ने कहा, दीदी सोने की बात नहीं, आपको पता है ना अगले दिन मुझे ऑफिस भी जाना होता है और सभी तैयारियां करनी होती हैं, बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। अब तो कई सालों से निशा को इन सब बातों की आदत पड़ गई थी, ससु माँ नहीं रही फिर भी नंदों की वही आदत। अरे बड़े भाभी ने तो खाने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन हमने कह दिया विशाल हमारा इंतजार कर रहा होगा, इसलिए हम आ गए, बिना खाना उन्होंने भी बना दिया था। निशा को पता था दोनों बहनें झूठ बोल रही हैं और वही निशा को सुनाने के लिए यही सब बातें कहती हैं। एक दिन निशा शाम के खाने के लिए तैयारी कर रही थी कि उसकी बड़ी ननद आ गई। निशा ने नमस्ते करती हुई कहा, दीदी आपने तो आने की कोई खबर भी नहीं दी, खबर क्या देनी थी, अपना ही तो घर है। चाय नाश्ता देने के बाद निशा ने कहा, खाना भी तैयार है। यही सुन वही बोली, खाना तो मैं बड़े भैया के घर से आकर ही खाऊंगी, तुम्हें जल्दी है तो तुम लोग खा लो, ऐसी कोई बात नहीं दीदी, वही आज मेरा व्रत था ना तो सोचा पहले बड़ों को खिला दूँ उसके बाद ही। भाई तुम्हें नियमों की इतनी ही चिंता है तो थोड़ी देर रुक जा, हमें भी तो दुनियादारी निभाने दे, बड़े भैया को पता चला तो बुरा मान जाएंगे कि मैं उनसे मिलने नहीं आई, फिर आकर खाना खाती हूँ। और नन्ना रानी बड़े भैया के घर चली गई। उनको पता था निशा का व्रत है, उनकी उसके बाद भी वही रात को 11 बजे वापस आई। निशा जल्दी से खाना डाल दी, बहुत भूख लगी है, बड़ी भाभी तो खाने पर बहुत जोर दे रही थी, पर मैंने कह दिया निशा मेरा इंतजार कर रही होगी, तूने और विशाल ने तो खा लिया होगा। नहीं दीदी यही भी आपका ही इंतजार कर रही थी। यह कहते हुए निशा ने दोनों बहन भाइयों के लिए खाना परोसा और खुद रोटियां सेकने लगी। निशा रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि उसकी ननद रोटी को उलट पुलट कर देख रही थी। उसने पूछा, दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे रोटी कुछ कच्ची लग रही है। निशा, दीदी के लिए रोटी दूसरी ला दो, विशाल ने कहा। यह सुन निशा उनके लिए दूसरी रोटी अच्छे से सेक कर ले आई। उसे देखकर भी उसकी ननद बोली, क्या निशा रोटी नहीं खिलानी तो वैसे ही बोल देती, क्या कच्ची रोटियां
लाई जा रही है। नहीं दीदी, रोटी तो अच्छी सी सीखी है। विशाल ने भी रोटी देखी तो बोला, दीदी रोटी तो सही है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ऐसी रोटियाँ तो हमारे यहाँ जानवरों को दी जाती हैं। मैं तो तुम दोनों की सोचकर वहाँ भी खाना छोड़ाई। बड़ी भाभी कितनी जिद कर रही थी, लेकिन मुझे तुम लोगों की फिक्र रहती है और तुम दोनों हो कि ऐसा कर रही हो। ना खिलानी हो तो साफ साफ मना कर दो। यही सुन निशा के आंसू निकल आए। अपने आप को संभालते हुए वही बोली, कैसी बातें कर रही हो दीदी? आप इतनी सी बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? आपको कुछ कहना हो तो सब सब कहो। यह रोटियों का क्यों बहाना ला रही हो? और आप यह बड़े भाभी भैया की बात तो रहने ही दो। इतना तो आपको भी पता है कि वह आप सबकी कितनी परवाह करते हैं। सासू माँ से सब सुन चुकी हूँ उनकी आवभगत के बारे में। इतने सालों से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि हमारे लिए सभी भाई बराबर हैं। आपके लिए होंगे, लेकिन उनके लिए आपका क्या महत्व है? यह तो आपको भी पता है और मुझे भी। लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आज आपके व्यवहार ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी भी आप लोगों की किसी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन आज आपने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरी इतने सालों की सेवा को आपने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। आपसे मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको छोटों से इज्जत लेनी है तो बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखें। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं तो आप उसे प्यार से समझा सकती थी। मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन काम भी मैं करूं और ताने भी मैं सहूं, यही सब मुझसे नहीं होगा। तेरे सामने निशा इतना बोल रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। हम तो तुझ पर इतना मरते हैं और तू हमें घर बैठा कर बेइज्जत कर रहा है। अगर निशा ने अपनी बातों के लिए माफ़ी नहीं मांगी तो मैं फिर तेरी चौखट पर फिर कभी नहीं चढ़ूंगी। दीदी अगर निशा गलत होती तो मैं एक बार नहीं 100 बार उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता। अब मेरी बड़ी बहन हो, इज्जत करता हूँ आपकी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी गलत बात को भी मैं सही कहूँ। वही भी मेरी पत्नी है और आज तक उसने पलट कर जवाब नहीं दिया। हर बात की एक सीमा होती है, उसका भी आत्मसम्मान है। अब मेरी बड़ी बहन हो और आपके लिए मेरे घर व दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जब चाहें आओ, यह आपका ही घर है, आगे जो आपका दिल कहता है। विशाल ने दोनों हाथ जोड़ दिए। यही सुन निशा की ननद कुछ न बोली और वह सुबह चुपचाप चली गई। निशा ने सोचा जो रिश्ते बस हमें तकलीफ दे उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। निशा ने कभी भी ननदों को इज्जत सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन शायद कुछ लोग को ये सब रस नहीं आता। यही हाल निशा की ननदों का भी था। अगर हम चाहते हैं सामने वाला हमें इज्जत दे तो बदले में हमें भी वो तो इज्जत और प्यार देना पड़ेगा ना, क्योंकि डर थमका कर इज्जत नहीं पाई जा सकती। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।